has a bit of shades of, you know, not grey, but at least people will be gripped seats watching me in the thing for sure. थैंक यू सो मच. और मैं चाहूंगा जितने भी लोग यहाँ पर आज हमारे फिल्म आर्टिस्ट आए हुए हैं, पहले मैं सभी को बुला लेना चाहूंगा. मैं चाहूंगा शकील हाशमी जी प्लीज एक बार स्टेज पर आ जाए और उनके लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए आप सभी लोगों की. क्योंकि अगर सबके साथ में रहेंगे तो ही हमारे सभी काम बहुत आसान. मैं चाहूंगा हमारे जो फिल्म की बाकी कोर टीम है मैं उन्हें भी बुला लूं. एसोसिएट प्रोड्यूसर मिस्टर ब्रज शरवारी प्लीज एक बार स्टेज पर आए और मैं चाहूंगा इनके लिए एक प्यारी सी तालियां हो जाए. एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर अमरजीत एस कोहली मैं चाहूंगा आपकी तालियों के बीच उनका स्वागत हो. एंड हमारे को प्रोड्यूसर्स मिस्टर पंकज अग्रवाल, मनु सिंघल, महेश सागर, कपिल बंसल, हरदीप सिंह एंड ईशान सिंह. हमारी पूरी टीम के लिए आप सभी लोगों की जो दुआएं हैं, जो आशीर्वाद है टीम के साथ आपके सामने बहुत ही अच्छे प्यारे प्यारे हमारे प्रोजेक्ट आपके सामने पेश करते रहे. सर तो हम चाहेंगे कि आप भी कुछ फिल्म के बारे में बताएं मीडिया को प्लीज. हेलो हेलो. बेसिकली एक फिल्म मैंने बनाई, भाई पंचुअलिटी एक सब्जेक्ट है क्योंकि हमने बहुत सारे मूवीज देखते रहते हैं तो प्यार का है, बहुत सारे इश्यूज हमने किए हैं. अभी मैंने एक सब्जेक्ट मैंने ऐसे देखा कि एक पंचुअलिटी जो हमारा देश में सबसे ज़्यादा इश्यू है मुझे ऐसा लगा कि, क्योंकि मुझे मैं कहीं बाहर में फॉरेन टूर में था, मुझे ऐसे महसूस हुआ कि जो पंचुअलिटी है जो हमारे देश में वो इतना महत्व नहीं देते उसमें, या होते तो हम इतने बहुत ज़्यादा उसके लिए एक बहुत पता नहीं क्या चीज हो गई. पंचुअलिटी होना नहीं चाहिए कोई, मतलब एक डर सा है मतलब. तो बाहर जो लोग मैंने देखा था उनकी एक लाइफस्टाइल है, हर चीज हम लोग को नहीं ऐसे होते, हम लोग नॉर्मल कोई बात करते कब आने वाले आधा घंटे में पहुंच रहा हूँ दो मिनट, लेकिन वो होते नहीं, वो दो मिनट का आधा घंटे कभी नहीं पहुंचते. तो ये चीज हम लोग बहुत कैजुअली लेते हैं. तो यहाँ पे पंचुअलिटी का सिस्टम है ही नहीं हम लोग का, कोई चीज का कुछ भी चीज का खाने की चीज हो या पीने की चीज हो कुछ भी ऑर्डर करते हैं कोई भी, ऐसे हर जगह पे आप देखोगे टाइम का एब्सलूट चलते रहते हैं, कोई भी कमिटेड नहीं है कुछ भी चीज़ कुछ कभी भी कुछ भी हो सकता है, आ गया तो आ गया नहीं आता. तो ये मैंने देखा तो उसी सब्जेक्ट पे मैंने ये फिल्म बनाई है. ये बेसिकली फिल्म है एक कैरेक्टर है वो उसकी जो बचपन में जो उसकी एक फादर उसको इतनी ज्यादा टॉर्चर करते थे कि वो टाइम से इतने डर जाते थे, मतलब एक्चुअली वो बड़ा होने के बाद भी उसको जो है वो डर इतने ज्यादा बढ़ गया कि वो इतने कि साइको पेशेंट बन जाते हैं, उससे ज्यादा हो जाते हैं. तो वो उसकी पूरी लाइफ डिस्टर्ब हो जाता है, उसकी फैमिली, उसकी जो गर्लफ्रेंड हो गया, ऑफिस लाइफ, हर चीज वो इतने ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है. बाद में वो लड़का ये सारे प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए एक गेम बनाते हैं 30 मिनट्स. ये है फिल्म, वो आपको देखना पड़ेगा ये फिल्म. वो इस सारे मुसीबत से कैसे वो बाहर निकलने के लिए गेम बनाते हैं, वो गेम है 30 मिनट्स. ये है, ये आपको पिक्चर देखिए तो मैं बता सकता हूँ. हेलो, मैं ये कहना चाहता हूँ ये जो पिक्चर बनी है ये इसका कोई मुकाबला नहीं है, ना कभी बनी है आगे, और ये फर्स्ट टाइम इंडिया में आएगी और ये एक किस्म का रेवोल्यूशन लाएगी. जो यंग जनरेशन है उनको ये सिखाएगी कि भाई पंक्चुअलिटी का क्या मतलब है. अभी मैं बहुत सारा ईस्ट यूरोप हो गया हूँ और वहां पर देखकर मैंने ये देखा है कि कितना पंक्चुअलिटी पे सर काम चलता है. एवरीथिंग ऑनलाइन, पीपल आर सो मच ऑन पंक्चुअलिटी, अनबिलीवेबल. और यही चीज जो है, ये पिक्चर जो है, ये हमारे भारतवर्ष में एक रेवोल्यूशन लाएगी.